ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर आप पर आंख बंद करके पूरा भरोसा करा जाए तो आप उसकी कैसे धज्जी उड़ाते हो। That I am very sorry and I apologize for the inconvenience of me not giving up. तो उसका एग्जांपल है सीधा थोर। केविन फाइगी मार्वल स्टूडियो डिज़्नी प्लस ने टैके वेटिटी पर रैगनॉक के बाद इतना भरोसा कर लिया कि उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि मूवी में चल क्या रहा है। और ऑडियंस के आज नेगेटिव रिव्यू देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं थोर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद कर रहा था कि ये मूवी काफ़ी अच्छे लेवल पर सेटअप होगी और डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद ये मूवी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देगी, फैंस को एक अच्छा गुड क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कराएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इतना कुछ होने के बाद भी टैके वेटिटी ने फाइनली रिवील्ड करा है कि वो थोर 5 के लिए दोबारा से रिटर्न होंगे, इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें क्रिस हेम्सवर्थ भी दोबारा से कंफर्म हो चुके हैं कि वो एस थोर का दोबारा से कैरेक्टर प्ले करेंगे। और आपने एंडिंग में देखा होगा थोर विल बी रिटर्न, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई थोर तो रिटर्न होगा एक अलग एमसीयू प्रोजेक्ट में, और साथ ही साथ आपको थोर 5 भी देखने को मिलेगी आने वाले कॉस्मिक सेगा में। तो ये तो बहुत बड़ी खबर थी। बट आज इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले नहीं हैं, आज बात करने वाले हैं थोर की प्रेडिक्शन के बारे में कि मूवी में हमें क्या देखने को मिल सकता है, प्लस ये मूवी कब रिलीज होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं थोर के प्रेडिक्शन के बारे में जो कि हमें मिल सकता है। तो आपने लास्ट में देखा होगा मिड क्रेडिट सीन में जो हमें हरकुलिस कैरेक्टर इंट्रोडक्शन कराया गया है वो एकदम खतरनाक है, नेगेटिव है, बट वो मुझे कास्टिंग बिल्कुल मैच नहीं खाई। इससे बढ़िया डेयर जॉनसन को लेना चाहिए था हरकुलिस के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते, वो ऑलरेडी हरकुलिस का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, तो शायद मे बी मार्वल ने इसलिए उनको कास्ट नहीं करा होगा। पर कास्टिंग बिल्कुल बेकार थी। पर हाँ, कैरेक्टर जिस हिसाब से दिखाया गया है नेगेटिव, एकदम खतरनाक, वो थोर से लड़ेगा अपने बाप के कहने पर और धुआंधार साइड बाय साइड फाइट करेगा, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा थोर 5 में और ये मेन विलेन बनेगा। और अगर आपने नोटिस करा होगा मिड क्रेडिट सीन में कि जिस हिसाब से उसका लुक था, बात करने का स्टाइल था, वो लग रहा था कि भाई कॉमिक बुक एक्यूरेट हमें हरकुलिस दिखा रही हैं, क्योंकि अगर आपने कॉमिक बुक पढ़ी है तो कॉमिक बुक में भी हमें हरकुलिस इस तरीके से दिखाया गया था, बिल्कुल नेगेटिव खतरनाक। और थोर 5 में इन दोनों का घमासान युद्ध होने वाला है साइड बाय साइड। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टैगे वेटिटी ने जो करके दिखाया है थोर 4 में, मुझे नहीं लगता कि शायद ये हरकुलिस से कहीं अच्छे खासे जोगनी बुलवा दे, तो और ज़्यादा ही मज़ा ख़राब हो जाएगा। पर मेरी प्रेडिक्शन है कि शायद थोर 5 में ऐसा कुछ ना हो और शायद स्टोरी को और अच्छा तरह से बनाने की कोशिश करें। फाइनली बात करी जाए अगर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो थोर 5 ऑलमोस्ट शायद रिलीज हो सकती है साल 2025 में, क्योंकि हाल फिलहाल इन 2 सालों में तो रिलीज करने वाले नहीं है। सिर्फ इन 2 सालों में थोर का हमें कैमियो देखने को मिलेगा अदर एमसीयू प्रोजेक्ट्स में, और ये थोर 5 एवेंजर 5 आने से पहले रिलीज होगी, इतनी मेरी प्रेडिक्शन है। आपका क्या मानना है कि थोर 5 कब रिलीज हो सकती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और उसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।